कृष्णा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वह मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री, दो बहनें जो फिल्मिस्तान में आईं और अच्छी सफल सक्सेस साबित हुईं, उनमें से एक है सिंपल कपाड़िया और दूसरी उनकी बहन डिम्पल कपाड़िया। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि डिम्पल कपाड़िया जी की छोटी बहन भी थी और जो कि पिक्चर में काम करती थी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सिंपल कपाड़िया जी के बारे में, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो पहले उनके बारे में जानते हैं। हिंदी फिल्म की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी जाना जाता था। वह 1987 से अपनी मृत्यु तक अपने करियर में सक्रिय रहीं। उनका जन्म 15 अगस्त 1958 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 नवम्बर 2009 को हुई थी। वह चुन्नीबाई और बेटी कपाड़िया की बेटी थी और वो चार भाई बहन थे। एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। दूसरी बहन रीम कपाड़िया की मृत्यु हो गई नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण। सिंपल कपाड़िया दिवंगत और सुहेल कपाड़िया उर्फ मुन्ना नाम का एक बेटा हुआ। सिंपल कपाड़िया का एक बेटा है जिसका नाम करण कपाड़िया है। दोस्तों, इनका जो फिल्मी करियर ग्राफ रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। सिंपल कपाड़िया जी बॉलीवुड की मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं और 70 से 80 के दशक के दौरान सबसे लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। उनकी बड़ी बहन डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना जी जीजा, उनकी दो बेटियां ट्विंकल खन्ना रिंकी खन्ना के रूप में हिंदी सिनेमा से मजबूत संबंध रहा उनका। दोनों ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। सिंपल कपाड़िया ने कई फिल्में की, अपने समय की मशहूर अभिनेत्री बन गई। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी काम किया। सिंपल कपाड़िया में अद्भुत अभिनय क्षमता थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित किया। वह लूटमार में एक नर्तकी के रूप में दिखाई दी। प्यार के दो पल, जीवन धारा और अन्य जो देखने लायक हैं, उन्हें 20 से अधिक फिल्मों में काम किया। फिल्म परख में एक आइटम सॉन्ग करने के बाद उन्होंने वर्ष 1987 में फिल्म उद्योग को छोड़ दिया। बाद में सिंपल कपाड़िया जी ने एक नया मोड़ लेने का फैसला किया और बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। फिल्म उद्योग आखिरकार उन्हें इस क्षेत्र में बहुत सफलता और पहचान मिली और फिल्म रुदाली, जिसमें कि डिम्पल कपाड़िया जी की एक्ट थी और कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उनको चुना गया सिंपल कपाड़िया जी को, और जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में उन्हें शहीद सहित कई फिल्मों में नई पोशाक बनाई जो फिल्म उद्योग में हिट साबित रही। 2006 में उन्हें कैंसर का पता चला, लेकिन गंभीर दर्द के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों, और 2009 में अपनी मृत्यु तक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी जो उपलब्धियां थी दोस्तों, सिंपल कपाड़िया को फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस तरह से थी छोटी बहन की कहानी सिंपल कपाड़िया। अब मैं डिम्पल जी के बारे में आपको बताती हूँ दोस्तों। अब जानेंगे डिम्पल कपाड़िया जी के बारे में। दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया उन कलाकारों में से शामिल हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में नायिका की परंपरागत छवि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। डिम्पल कपाड़िया जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत महज 15 साल की उम्र बॉबी फिल्म से की थी। और इनकी पर्सनल लाइफ स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म 8 जून 1957 को गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नीलाल भाई कपाड़िया था, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे। कपाड़िया अपने चार भाई बहनों में से सबसे बड़ी थीं। डिम्पल कपाड़िया जी की दो छोटी बहनें और एक भाई भी हैं सिंपल कपाड़िया, जो कि एक अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर रह चुकी हैं। रीमा और मुन्ना इनके भाई बहन हैं। डिम्पल कपाड़िया जी ने फिल्मी दुनिया में 15 साल की उम्र में फिल्म बॉबी से कदम रख दिया था। इस फिल्म में उन्हें फिल्मी दुनिया का स्टार बना दिया। दोस्तों, इनकी शादी जो हुई वो मात्र 15 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई थी। हालांकि डिम्पल और राजेश जी का यह प्रेम विवाह पर सिर्फ 10 साल तक ही टिका। उनकी दो बेटियां हैं, रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना एक अभिनेत्री हैं और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी हैं। डिम्पल कपाड़िया जी की जो फिल्मी करियर ग्राफ रहा दोस्तों, उनमें से डिम्पल जी ने अपने करियर की शुरुआत मात्र 1973 में निर्देशक राज कपूर की फिल्म बॉबी से की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट ऋषि कपूर थे। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया जी रातों रात सुपरस्टार बन गईं।
इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों की कतार लग गई, लेकिन उन्होंने सभी फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकराकर आइडियल बीवी बनना उचित समझा, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही डिंपल कपाड़िया जी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना जी से शादी कर ली थी। हालांकि उनकी यह शादी 10 साल तक ही चली। इसके बाद राजेश खन्ना जी और डिंपल जी अलग हो गए। पति राजेश के अलगाव के बाद डिंपल जी ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा में फिल्मी जख्मी शेर से अपनी वापसी की, लेकिन फिल्म औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिरी। इसके बाद पर्दे पर फिल्म सागर से एक बार फिर लौटी। बॉबी की जोड़ी ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया रमेश सिप्पी निर्देशित इस फिल्म में सागर में डिंपल कपाड़िया जी ने अपनी बोल्ड अदा से दर्शकों को दिल जीत लिया। फिल्म सागर के बाद हिंदी सिनेमा में डिंपल जी की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में उजागर हुई। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 1991 में आई फिल्म लेकिन उनके करियर की टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म का निर्माण स्वर सम्राज्ञी कोकिला लता मंगेशकर ने किया। इस फिल्म का गाना यारा सीली सीली दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। डिंपल जी ने फिल्मी करियर में अब तक तकरीबन 75 फिल्मों में अभिनय किया। बॉबी, रामलखन, सागर, दबंग, लेकिन, अजूबा, नरसिम्हा, गर्दिश, अल्लाह रखा, इंसानियत, 20 साल बाद, साजिश, इंसाफ, रुदाली जो कि बेस्ट हिट फिल्म में मानी जाती है, क्रांतिवीर नाना पाटेकर जी के साथ, फाइटिंग फैनी, पटियाला हाउस, लक बाय चांस, इस तरह से कई हिट फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया। डिंपल कपाड़िया जी के बारे में और भी कुछ बातें हैं दोस्तों। डिंपल कपाड़िया जी ने हिंदी सिनेमा में शोहरत और नाम महज 15 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। डिंपल जी की शादी उनसे 15 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। डिंपल जी की फिल्म बॉबी की शूटिंग पूरी होने से पहले ही उन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह से इनका फिल्मी करियर ग्राफ और पर्सनल लाइफ चलता रहा। दोस्तों अभी प्रेजेंट में वो कुछ कुछ इवेंट्स में शामिल होती हैं और कोई अवार्ड फंक्शन में दिखाई देती हैं। उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना के बच्चे के साथ वो इंगेज रहती हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय करती हैं और बहुत ही सक्सेस लाइफ रहा दोस्तों डिंपल कपाड़िया जी का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो मैं शेयर की हूँ सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।